सो ये आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में मेरे 3 गोल होने वाले हैं। मेरा फर्स्ट गोल होगा एक आयरन फार्म बनाना, सेकंड गोल होगा एक वेदर को टपकाना, और थर्ड गोल होगा अपना घर बनाना। हाँ, मैं नेदरराइट आर्मर बनाने के बाद घर बना रहा हूँ। हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही ना। और स्टार्ट कर लेते हैं। फिर लास्ट वाली वीडियो में मैनिस का आयरन फार्म डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब मुझे आयरन की थोड़ी कमी महसूस होने लगी क्योंकि लास्ट वाला आयरन फार्म तो ख़राब हो चुका था। तो मैंने एक नया आयरन फार्म बनाने का फैसला किया और मैंने ये वाली जगह सेलेक्ट की अपना आयरन फार्म बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने 15 ब्लॉक्स का एक पिलर बनाया ताकि आयरन गोलम नीचे स्पान ना हो। यहाँ से सनराइज़ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। देन मैंने अपना आयरन फार्म बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इस आयरन फार्म का मैं इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं करने वाला, ये एक सिंपल सा स्क्वेयर आयरन फार्म होगा। आयरन फार्म बिल्ड करने के बाद मैं मार्केट से 2 विलेजर आयरन फार्म तक लेके गया। देन मैंने आयरन फार्म को प्रॉपरली कंप्लीट किया और इसका किलिंग चैम्बर बनाया। अपना आयरन फार्म बनाते हुए मैं ब्लैक ड्रैगन की बेस पे आया। ब्लैक ड्रैगन ने नीचे केव में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ। तो मैंने कहा लगे रहो। और अब बारी थी 20 विलेजर्स पूरे करने की, और वो मैंने नहीं, विलेजर्स ने करने थे। तो मैं आयरन फार्म के आसपास ही फिरता रहा, एंड देन फाइनली यहाँ पे एक आयरन गोलम स्पान हो गया, यानी आयरन फार्म वर्क कर रहा था। ये आयरन फार्म इतना भी फास्ट नहीं था, लेकिन अभी के लिए ये ठीक था। फ्यूचर में कोई फास्ट आयरन फार्म बना लेंगे। इस आयरन फार्म पे 1 घंटा AFK करने के बाद सिर्फ 4 से 5 स्टैक आयरन ही जमा होता है, बिकॉज दिस इज बेडरॉक एडिशन। खैर, इस आयरन फार्म से जितना भी आयरन मिले मेरा गुजारा चलता रहेगा। इस वाली वीडियो में मेरा नेक्स्ट गोल था विदर को मारना। लास्ट वाली वीडियो में हम ऑलरेडी एंडर ड्रैगन को मार चुके हैं, और लास्ट वाली वीडियो में जब ब्लेज रोड लेने में नेदर फोर्ट्रेस गया था, वहीं से मुझे 4 विदर हेड भी मिल गए थे। यानी अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मैं आसानी से जाके विदर को मार लूंगा। तो मैंने विदर को मारने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने ये नेदर ओर्स क्यों माइन की थी। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। कि मैंने ये नेदर ओर्स क्यों माइन की थी। नेदर ओर्स मार दे साले का खोपड़ी तोड़। मैंने इन ओर्स को माइन किया, इनके नेदर क्वार्ट्ज ब्लॉक्स बनाए और चेस्ट में रख दिए। वेरी डेंजरस। देन मैंने अपना टोटम ऑफ अनडाइंग वाला शल्कर बॉक्स निकाला और उसमें से 2 टोटम निकाल के इन्वेंट्री में रख लिए। देन मुझे एक स्पाइडर नजर आई, तो मैंने उसे मार दिया। ट्रेडिंग हॉल तो अब काम कर नहीं रहा था, तो वैसे मैंने डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे कुछ लेक्टन्स लगा दिए। जब मैंने अपनी एंडर चेस्ट खोली तो उसमें 4 वेदर हेड पड़े थे जो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कलेक्ट किए थे। तो उनमें से 3 वेदर हेड मैंने उठा लिए क्योंकि अब मैं वेदर को एंड में जाके मारने वाला था। अभी मुझे सोल सैंड की जरूरत थी, तो वो ब्लैक ड्रैगन ऑलरेडी कहीं से ला चुका था, तो मैं उसे ढूंढने लगा। तो अचानक ही मुझे जंगल में एक चेस्ट मिली और उसमें पता नहीं कैसे सोल सैंड पड़ी थी। देन मैंने नेदर पोर्टल के सामने ओवर पावर्ड लैंडिंग की। क्या तुम्हें ओवर पावर्ड का मतलब नहीं पता? अरे ये तो ओपी हो गया। देन काली चिपकली के बनाए हुए रास्ते से मैं एंड पोर्टल तक गया। क्या तुम्हें काली चिपकली का मतलब नहीं पता? अरे ब्लैक ड्रैगन।
अंत में जाने का द्वार इस बर्फीले गांव के नीचे है, तो जल्दी से चलते हैं अंत की तरफ और तीन मुंह वाले राक्षस को हरा के आते हैं। आई मीन लेट्स जंप इनटू द एंड एंड किल द विदर। फाइनली विदर को मार दिया है एंडरमैन ने, और यहाँ पे मुझे विदर स्टार भी मिल चुका है। जल्दी से इसे कर लेते हैं कलेक्ट। एंड फाइनली विदर को मार के मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। घर एक्चुअली इस वर्ल्ड में मैंने डायमंड आर्मर बनाया, फिर बाद में नेदरराइट आर्मर बनाया, एंडर ड्रैगन को मारा और अब मैं विदर भी मार चुका हूँ। मेरे पास इस वक्त वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है, बट मेरे पास एक घर नहीं है। मैं कभी इधर भटकता हूँ, कभी उधर भटकता हूँ, कभी मार्केट में जाके सोता हूँ, कभी ट्रेडिंग हॉल में, या कभी किसी विलेजर के घर। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़। घर बनाने के लिए मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी, तो मैंने इस वाली पहाड़ी को सिलेक्ट किया। मैंने इस सारी जगह को एक जैसा किया। जब मैंने घर की बेस बनाना स्टार्ट की तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये पहाड़ी थोड़ी छोटी है और यहाँ पे ये घर पूरा नहीं आने वाला, तो मुझे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पहाड़ी बनानी पड़ेगी और इस जगह को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। देन यहाँ रास्ते में मुझे एक क्रीपर नज़र आया, तो मैंने उसे मारना चाहा पर वो फट गया। उसके बाद मैंने इस जगह को थोड़ा पहाड़ शेप की लुक देने स्टार्ट की, पर ये पहाड़ से ज़्यादा सीढ़ियाँ लग रही थी, तो मैंने इसे थोड़ा नेचुरल बनाने की कोशिश की। मैंने इस पहाड़ को नेचुरल लुक देने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है ये नेचुरल लग भी रहा होगा। और मैंने अपने घर का फर्श भी कम्प्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, तो अभी घर को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली एक लंबे टाइम के बाद मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने सारे का सारा इंटीरियर कंप्लीट कर लिया तो मुझे याद आया कि उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है। इंटीरियर में मैंने जो भी बुक शेल्फ लगाए हैं वो मैं जाके स्ट्रॉन्ग होल्ड से लेके आया था। घर तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है सिनेमैटिक्स की।
घर कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि ये नीचे वाली जगह को भी थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहिए। यहाँ पे ये सीधी दो दीवारें बनाई हुई हैं जो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं करूँगा इन्हें मॉडिफाई। मैं इन वॉल्स को नेचुरल और ओल्ड लुक देने वाला हूँ। और यहाँ से एक पानी का झरना बह रहा है जो आगे नदी में जा रहा है। बाकी दीवारें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।